नमस्कार, आप देख रहे हैं सच सबसे तेज और मैं हूं इकबाल परवेज। देश के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हर रोज मुसलमान हो या ईसाई, उन पर हमले ये भगवा आतंकी कर रहे हैं। जब देखो, जहां देखो, जिसे देखो, वही धर्म का ठेकेदार बन जाता है और धर्म धर्मांतरण का आरोप लगाकर कभी मुसलमान पर तो कभी ईसाइयों पर हमला कर देता है। चर्च हो या मस्जिद या फिर मदरसा, हर किस जगह पर हमले लगातार हो रहे हैं। हम आगे आपको ऐसे कई वीडियो सबूत के तौर पर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अभी आपको जो कर्नाटक की एक घटना है वहां की बता देते हैं। कर्नाटक के बेलगाम की यह घटना है जहां पर एक परिवार पर हमला कर दिया ये बोलकर कि यहां पे ये लोग धर्मांतरण का काम करते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब कोई भी ईसाई है वो सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण के लिए ही लगा हुआ है, कोई भी मुसलमान है वो सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण के लिए ही लगा हुआ है, कोई भी चर्च हो या मस्जिद हो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को जो है सो ईसाई या मुसलमान ही बनाया जाता है, कोई भी किसी पर भी कहीं भी हमला कर देता है। ये जो खबर आ रही है, देखिए उनमें 7 लोगों पर FIR भी हुई है क्योंकि उन पर हमला किया गया है। लेकिन थोड़ा सा आपको विस्तार से खबर बता देते हैं। कर्नाटक, धर्मांतरण को लेकर बेलगामी में पादरी परिवार पर हमला, एक महिला घायल, हिंदुवादी समूह पर केस। ये हिंदुवादी समूह कौन है? ये जाहिर है ये वही बजरंग दल के गुंडे हैं, ये वही RSS के गुंडे हैं, ये वही भगवा आतंकी हैं जिन्होंने पूरे देश में उत्पाद मचाया हुआ है पूरे देश में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है उन्होंने यही बड़ा एक काम कर दिया है कि पूरे देश को, देश के युवाओं को कहें, दंगाई बना दिया है धर्मांतरण के नाम पर। जी हां, और अगर कर्नाटक की बात करें तो वहां पर भी एक जो है सो भारतीय जनता पार्टी का MP है, तेजस्वी सूर्या उसका नाम है, जो यंग है, युवा है, मगर उसकी बातों, और वो पढ़ा लिखा भी है, मगर उसकी बातों से ऐसा लगेगा अगर नहीं कि वो आदमी पढ़ा लिखा है। उसे आप मतलब युवाओं का यति नरसिंहानंद कह सकते हैं, जो रात दिन हिंदू मुसलमान करता रहता है। अभी पिछले दिनों उसने विवादित बयान दिया था और ये कहा था कि जो है सो जितने मठ हैं और मंदिर हैं उनको टारगेट दिया जाना चाहिए कि कितने हिंदुओं को वो, कितने मुसलमानों को या ईसाइयों को वो हिंदू उन्हें बनाना है। तो इस तरह के वो भाषण देता है, इस तरह के वो बयान देता है। जाहिर सी बात है कि उस राज्य में इस तरह की घटनाएं होंगी ही, और वहां से कर्नाटक से तो लगातार इस तरह की खबरें आती हैं ईसाइयों पर हमलों की। अब थोड़ा सा हम आपको साथियों विस्तार से खबर बता देते हैं। कर्नाटक के बेलगामी जिले में धर्मांतरण को लेकर एक पादरी के परिवार पर हमले का मामला सामने आया है। एक दक्षिणपंथी हिंदुवादी संगठन ने परिवार पर आरोप लगाया कि वो अपने पड़ोसियों को ईसाई बना रहा है, इसी के चलते परिवार पर हमला व लूटपाट की गई। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब देखिए, लूटपाट भी की गई, मुझे ऐसा लगता है कि ये धर्मांतरण वगैरह तो एक बहाना है, सिर्फ और सिर्फ लूटपाट के लिए ही ये भगवा आतंकी, भगवा गुंडे वहां पर गए होंगे, धर्मांतरण का बहाना लगाया, उन्हें पीटा और उन्हें उनका सामान, साजो सामान या पैसे वैसे जो होंगे उसे लूट कर ले गए होंगे। साथियों, ये लोग इस तरह से छिनतई भी करते हैं। हमने देखा है जब मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम चूड़ी वाले को पीटा था तो उसके पर्स में जो पैसे थे, 5-7 हज़ार जो भी थे, उस पैसे तक को उन लोगों ने छीन लिया था। वो अलग बात है कि बाद में उसी पर मोलेस्टेशन का केस लगा दिया और फिर उसे जेल में डाल दिया। तो इस तरह से ये भगवा आतंकी उत्पाद मचा रहे हैं, लूट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं धर्मांतरण के नाम पर। खबर को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, या खास तौर से इन भगवा आतंकियों से, ये भगवा जो धर्म के फर्जी ठेकेदार हैं, इनसे ये खास तौर से मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आपका धर्म इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कि कोई भी आदमी लालच देकर, कोई भी आदमी बहला फुसला कर आपको हिंदू से ईसाई बना दे या मुसलमान बना दे? क्या इतना आपका धर्म कमज़ोर है? जी नहीं, आपका ये वहम है। कोई भी आदमी धर्मांतरण अगर करता है, दूसरे धर्म में जाता है, तो वो अपनी मर्जी से जाता है। वसीम रिजवी मुसलमान था, अब वो हिंदू बन गया, तो हम क्या कहें कि आपने उसे बहला फुसला कर किया है? जी नहीं, ये उसकी मर्जी थी, उसकी आस्था बन गई हिंदू धर्म में, उसे लगा इस्लाम धर्म ठीक नहीं है, आतंकी है, वो चला गया इस्लाम हिंदू धर्म में। वैसे ही सैकड़ों हिंदू ऐसे हैं जिनको लगा कि हिंदू धर्म में शायद हिंदू धर्म में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, या हिंदू धर्म से बेहतर उन्होंने स्टडी की इस्लाम के धर्म को या शिया क्रिश्चियन धर्म को, वहाँ वो चले गए। अगर आपको लगता है, फिर भी अगर आपको लगता है, मैं एक बार फिर से भगवा आतंकियों से मुखातिब हूँ, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर फिर भी आपको लगता है कि लालच देकर, बहला फुसला कर
किसी को मतलब हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई या मुसलमान बनाया जाता है, तो आप इतने कमज़ोर क्यों हैं? जब आप धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं तो फिर लाखों करोड़ों रुपये आप उन गरीबों को ताकतवर बनाइए ना, जिन गरीबों को ईसाई बना दिया जाता है लालच देकर। आप उन गरीबों के साथ इंसाफ कीजिए, आप उन गरीबों का पेट भरिए, आप उन गरीबों को पैसे दीजिए ताकि वो ईसाइयों के या मुसलमानों के पैसे के सामने सर ना झुकाएं, ईसाइयों या मुसलमानों के पैसे के लालच में आकर वो अपना धर्म नहीं बदलें। मगर आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आप फर्जी धर्म के ठेकेदार हैं, आप भगवा आतंकी हैं, और आपको इस तरह का आतंकी और भ्रम में डाला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ताकि आप इसी तरह से हिंदू मुसलमान ईसाई मुसलमान करते रहें और वो अपनी सत्ता की कुर्सी सजाते रहें। अब एक बार फिर थोड़ा सा उस खबर की तरफ मुड़ते हैं जो कर्नाटक से आई है। देखिए, हमले की घटना 29 दिसंबर को बेलगामी के मुदलगी इलाके में हुई थी। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार पादरी अक्षय कुमार कारगामी अपने घर में प्रार्थना कर रहे थे, तभी एक संगठन के कुछ लोग उनके घर में घुस गए और प्रार्थना रोकने को कहा। इसके बाद हुई कहासुनी में हमलावरों ने आरोप लगाया कि अक्षय कुमार के परिवार पर आरोप लगाया कि वो अपने पड़ोसियों का धर्मांतरण करा रहे हैं। विवाद बढ़ने पर अक्षय कुमार के परिवार के साथ मारपीट की गई। ये इस तरह से देखिए, कभी घर में घुसकर, कभी चर्च में घुसकर लगातार मारपीट कर रहे हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से अभी पिछले कुछ समय में इन लोगों ने साथियों उत्पाद मचाया है। अभी जो क्रिसमस का त्यौहार जब गुजरा है, उस समय भी हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से चर्चों पर हमले हुए, किस तरह से जहां पर प्रार्थना हो रही थी वहां पर ये भगवा आतंकी घुसे और जय श्री राम के नारे लगाए। कई जगह पर जो है सो तोड़फोड़ भी की गई। देखिए, अनीता रेड्डी ने एक वीडियो जो है सो शेयर किया है। पीएम मोदी हाल ही में रोम में पोप से मिले थे, उसके बाद कई भाजपा शासित राज्यों में क्रिश्चियन स्कूल पर हमला हुआ और आज हरियाणा के अंबाला में 173 साल पुराने चर्च में लगी प्रभु ईसा मसीह की मूर्ति को उपद्रवों ने द्वारा तोड़ दिया गया। यह महज संयोग है या प्रयोग? जी हाँ, सोचिए 173 साल पुराने चर्च में जो मूर्ति लगी थी ईसा मसीह की, उसे तोड़ दिया इन भगवा आतंकियों ने। आप तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से उनकी मूर्ति को तोड़ी गई है या किस तरह से जो है सो चर्च पर हमला किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि ये जो भगवा आतंकी हैं उनका कहना क्या है। आप एक बजरंग दल के गुंडे की बात भी आप सुन लीजिए। आज का प्रोग्राम क्या था आपका? देखिए, दिसंबर का महीना आता है, ईसाई मिशनरियां इस देश में सक्रिय हो जाती हैं। कभी सेंटा क्लास के नाम पर, कभी क्रिसमस के नाम पर, कभी नए साल के नाम पर ये लोग छोटे छोटे बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं और उनको धीरे धीरे ईसाइयत की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सेंटा क्लास कोई गिफ्ट लेके नहीं आता है, सेंटा क्लास हमेशा धर्मांतर कराने आता है। तो हम लोगों को भी सावधान रहना चाहिए और सेंटा क्लास का और क्रिसमस का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। देश में हिंदुत्व चलेगा, कोई ईसाइयत नहीं चलेगी। सुन लिया आपने। अब आपको एक और तस्वीर दिखा देते हैं रुड़की उत्तराखंड के चर्च की। ये तस्वीरें कुछ पुरानी है, मतलब महीना कह सकते हैं, 15 दिन कह सकते हैं, इसी के आसपास की ये तस्वीरें हैं। वो देवेंद्र यादव ने ट्वीट किया, रुड़की उत्तराखंड के चर्च पर हमला ना ही केवल बेहद निंदनीय घटना है बल्कि लोगों के आस्था एवं विश्वास पर प्रहार है। इस तरह की हर घटना हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता पर वार है। बीजेपी की सरकार तुरंत मामले का संज्ञान ले और दोषियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए। आप इस तस्वीर को भी देखिए कि किस तरह से फोड़ की गई है चर्च में घुसकर, और घुसते हैं ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं पर मुसलमानों पर और क्रिश्चियनों पर यानी कि ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। देखिए, कर्नाटका में हमले होते हैं, उत्तराखंड में हमले होते हैं, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में हमले होते हैं, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन भगवा आतंकियों को धर्म के नाम पर हमला करने के लिए, आतंक फैलाने के लिए छुट्टे सांड की तरह छोड़ दिया है।